हेलो एवरीवन, मैं बबीता और आपका स्वागत है बबीता महराज चैनल में। आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दे ताकि वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, और हाँ, लाइक शेयर कमेंट्स करना ना भूलें। यमी एंड क्रिस्पी ये पनीर स्प्रिंग रोल देखने में जितना डिलीशियस है, खाने में उतना ही टेस्टी है। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। रोल शीट बनाने के लिए पहले एक कप मैदा लेना है, एक कप कॉर्नफ्लावर लेना है, आधा चम्मच नमक लेना है, एक कप दूध लेना है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो दूध की जगह अंडे का भी यूज़ कर सकते हैं। दूध पहले इसमें थोड़ा थोड़ा करके ही डालें ताकि इसमें लम्स ना पड़े। एक कप पानी डालें और इसे अच्छे से मिक्स कर लें। और ये घोल तैयार है, इसकी कंसिस्टेंसी इतनी ही होनी चाहिए। कढ़ाई में 2 चम्मच तेल डालें। तेल अब गर्म हो गया है तो बारीक कटा हुआ पनीर डालें। पनीर 500 ग्राम है। अब इसे 1 मिनट तक भूनें। पनीर अब भुनने लगा है तो अब इसमें मसाले डालेंगे। 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/3 हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाला। मसाले डालकर इसे अब 1 मिनट तक भूनना है। अब इसमें नमक डालेंगे 1/2 चम्मच। नमक डालकर भी इसे 1 मिनट तक भूनना है। पनीर हमारा भून के तैयार हो गया है, अब इसे निकाल लेते हैं। सब्जियों को फ्राई करने के लिए 20 ग्राम बटर लिया है। बटर अब मेल्ट हो गया है तो इसमें वेजिटेबल्स डालेंगे। 2 प्याज, 1 रेड, 1 येलो, 1 ग्रीन शिमला मिर्च कटा हुआ लिया है। अब इसमें 1-1 करके सभी डालेंगे। सभी वेजिटेबल्स डालकर इसे 1 मिनट तक भुनना है। अब ये भुन गया है तो इसमें नमक डालेंगे 1/2 चम्मच। 1/2 चम्मच काली मिर्च पाउडर डालेंगे, कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे 1/3। अब इसे डालकर 1 मिनट तक भुनेंगे, इसे ज़्यादा नहीं भुनना है। अब ये भुन गया है तो इसे निकाल लेते हैं। इधर 1 प्लेट में कॉर्नफ्लावर फैलाकर डाल देंगे ताकि शीट बनाकर रखे तो चिपके नहीं। शीट बनाने के लिए जो घोल तैयार किया था उस घोल को तवे में डालें और इसे अच्छे से फैला लें, जो एक्स्ट्रा है वो निकाल दें। तवे को गैस पर घुमाते हुए सेके ताकि सभी साइड से अच्छे से सिक जाए। ये देखिए सिकने लगा है। अब इसी तरह से सेके घुमा घुमा कर। ये अब हमारा ये शीट बनके तैयार है। चॉपिंग बोर्ड पर पहले कॉर्नफ्लावर डालें, उसके ऊपर शीट डालें ताकि ये चिपके नहीं। रोल शीट के ऊपर पहले मसाला फ्राई पनीर डालेंगे, फिर फ्राई किया हुआ वेजिटेबल्स डालेंगे। अब चाट मसाला डालेंगे 2 इंच के करीब। 1 चम्मच के करीब चीज डालेंगे। अब इसे फोल्ड कर लेंगे। अब इसे चिपकाने के लिए जो शीट बैटर तैयार किया था उसी का यूज करेंगे। उसी को दोनों साइड से लगा लेंगे। पहले दोनों साइड से इस तरह से फोल्ड कर लेंगे, फिर इसके ऊपर बैटर लगाएंगे। अब इसे फोल्ड करेंगे इस तरह से, फिर इसे बैटर लगा के इसे फाइनल रोल कर देंगे। ये हमारा स्प्रिंग रोल फोल्ड होकर तैयार है। रोल पर ब्रेड क्रम्स की कोटिंग करने के लिए उसी घोल का यूज करेंगे जो शीट बनाने के लिए यूज किया था।
पनीर रोल को पहले इस घोल में अच्छे से डिप कर लेंगे। एक चम्मच की हेल्प से इसके ऊपर अच्छे से लगा लेंगे सभी साइडों से इस तरह से। अब इस रोल को ब्रेड क्रम्स में डालेंगे। अब इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स की भी कोटिंग अच्छे से कर लेना है सभी साइडों से इस तरह से। इसी तरह बाकी रोल को भी तैयार कर लेंगे। सभी रोल यहाँ पे तैयार हो गए हैं। डीप फ्राई करने के लिए 2 कप तेल लिया है। तेल अब गर्म हो गया है तब इसमें रोल डाल दें। रोल को पलटते हुए अच्छे से फ्राई करें। गैस का फ्लेम मीडियम टू हाई रखें। इसे आराम से पलटें इस तरह से। अब इसका कलर अच्छा सा आने लगा है। रोल अब डीप फ्राई हो गया है तो अब इसे निकाल लेते हैं। देखिए कितना अच्छा कलर आ गया है। आप भी अपने घर में ये क्रिस्पी पनीर रोल की रेसिपी ट्राई करें। कैसा लगा कमेंट्स में बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।